हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि विटकर जी ने दिया था, उसमें हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं फिलहाल। और प्लांट में आज फाइनल पार्ट है और हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ये फाइनल पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या पढ़ चुके हैं। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लांट जो है दो प्रकार के थे, क्या क्या, एक को क्रिप्टो गेम्स और एक को हम लोग कह रहे थे फेनेरो गेम्स है। तो क्रिप्टो गेम्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक को थैलोफाइटा, दूसरे को ब्रायोफाइटा और तीसरे को टेरिडोफाइटा कहते हैं। और तीनों के बारे में हम लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़े। इवन हम लोग जो थैलोफाइटा का एल्गी है उसके बारे में भी डिटेल से पढ़े। पढ़े क्या, एल्गी भी तीन प्रकार के हो रहे थे। कौन कौन से, एक को ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और एक को ब्राउन एल्गी कह रहे हैं। तो तीन प्रकार के हो गए और तीनों के बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। आज जो है हम लोग फेनेरो गेम्स वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। फेनेरो गेम्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे अभी कि फेनेरो गेम्स में भी दो पार्ट है। एक को बोल रहे जिम्नोस्पर्म, दूसरे को बोल रहे एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या हो रहे, फूल नहीं हो रहे, यानी कि फ्रूट्स नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे, लेकिन सीड्स होंगे, यानी कि बीज होंगे। ये कैसा है प्लांट जिसमें कि फल फूल नहीं हो रहा है, बीज हो रहा है। तो देखिए, जब फल नहीं हो रहा है तो बीज कैसे हो सकता है फल के अंदर, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो बीज जो है कहाँ होगा, बाहर में होगा, खुला हुआ, बिना कवर का। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि फल के अंदर होता है। तो आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि आप जितने भी फ्रूट्स खा रहे हैं, जितने भी कुछ आप खा रहे हैं, सब्जी वगैरह भी खाते हैं, उसका जो बीज होता है फ्रूट्स के अंदर में पाया जाता है, क्योंकि फ्रूट्स हो रहे हैं उसमें। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स होते ही नहीं है, तो कहाँ पे होगा बीज, खुले में होगा, है ना। तो यही बात है। तो इसमें सीड्स क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, फ्लावर एब्सेंट होते हैं, यानी होते ही नहीं है, फ्रूट्स नहीं होते, फल नहीं होते हैं। इसमें सबसे लंबा प्लांट जो होता है यानी कि जिम्नोस्पर्म में, वो होता है सिकुआ का। और इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है साइकस पाइनस, जो कि सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और आपको याद भी करना इजी है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। उससे पहले आपको एक थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं कि आप जो है कभी भी जिम्नोस्पर्म को नहीं भूलिएगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसा प्लांट है जिसमें कि फूल नहीं हो रहे, फल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो है बीज हो रहा है। आप कभी भी ऐसा प्लांट नहीं देखे हैं, जरूर देखे हैं। आप जब पार्क जाते हैं तो देखते होंगे कि बहुत ऐसे प्लांट है केवल हरा भरा है, लेकिन उसमें कभी फल फूल नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीज तो होंगे ना, तभी तो फिर दूसरा प्लांट आएगा, बीज तो होना जरूरी है। तो कैसा प्लांट है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लगेंगे ताड़ के जैसा है। और क्या होता है उसमें कि वो केवल पत्ती ही होंगी और कुछ भी फल वल फूल वूल नहीं होते हैं। नारियल के बीज ऐसे बहुत सारे होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये सदा बहार होते हैं, यानी कि इनको कहा जाता है क्या, ईवर ग्रीन, ईवर ग्रीन प्लांट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे सदा बहार। सदा बहार का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ज्यादा गर्मी हो जाएगा ना तो भी प्लांट जीवित रह सकता है, थोड़ा सा ज्यादा ठंडा पड़ गया तो भी ये रह जाएगा। तो हमें ऐसा हरियाली देते रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, सदाबहार। तो इनको यूज कहाँ किया गया, पार्क में सबसे अधिक, क्योंकि वहां पे हरा भरा रहेगा। फल तोड़ने के लिए तो कोई जाता नहीं है, सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, इंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, सारे लोग जो इंजॉय करते हैं तो इस तरीके के प्लांट्स को देखते हैं, तो एक तो आपका ऑक्सीजन बहुत ही आएगा, और फल फूल वाला रहेगा अगर पार्क में लगा दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा, फल तोड़ने के चक्कर में रह जाइएगा। इसीलिए वहाँ पे सब पार्क वाले समझदार होते हैं, तो क्या करते हैं कि वो ऐसा लगा देते हैं कि देखने में तो सुंदर लगेगा लेकिन आप उसे कुछ चुरा नहीं पाइएगा,
चलिए अब समझ गए ना कि ये कैसा होता है, थोड़ा सा देख भी लीजिए कैसा होता है। तो देखिए जैसे कि ये है, मान लीजिए कि ये ऐसे करके प्लांट्स देख लिया जाए, ऐसे होते हैं, इसमें बहुत लंबे लंबे से रहेंगे। कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं इवर ग्रीन वाले, जिसमें कि पत्तियों को हमेशा काट छाट करते रहना पड़ता है, एक शेप दिया जाता है इवर ग्रीन। अब कभी आगे से पार्क में जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म वाले कैसा कैसा प्लांट होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म होते आवृतबीजी, यानी कि बीज जो होता है उसमें कवर होता है और बीज फल के अंदर रहता है। कवर होने का मतलब उसमें तकिया का खोल नहीं लगता है, कवर होने का मतलब कि फ्रूट्स के अंदर रहेगा, फ्रूट्स उसको ढक के रखता है कि बीज बाहर नहीं निकल जाए, तो इसीलिए इसको ढक के रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल में पपीता, आम, जामुन। सोच रहे होंगे इतने सारे क्यों लिखे, अभी इसी का मौसम आ रहा है इसीलिए इसको लिख दिया गया, ठीक है। अभी जो है किसका मौसम आ रहा है, पपीता भी पक रहे होंगे, आम भी आने वाले हैं और जो है जामुन भी मार्केट में मिलने लगे हैं, तो ये सारे हैं, इसीलिए थोड़ा सा समझ में आपको ज़्यादा आ जाएगा। तो एक और चीज़, एप्पल खाते होंगे आप, ग्रेप्स भी खाते हैं, ऑरेंज भी खाते हैं, सबके बीज कहाँ होते हैं, फल के अंदर में होते हैं, है कि नहीं। तो यही बात है कि ये जितने सारे भी प्लांट्स हैं, सबसे अधिक प्लांट्स क्लास कौन से होंगे, क्लास एंजियोस्पर्म में आते हैं। यानी कि धरती पर जितने सारे जगह छेक के रखे हैं प्लांट्स, सबसे अधिक एंजियोस्पर्म वाले छेक के रखे हैं। फ्रूट्स देख लीजिए, वेजिटेबल्स देख लीजिए, सबके साथ वही स्टोरी है। अब देखिए बहुत सारे हैं, अब जितने सारे फ्रूट्स खाएंगे अब नेक्स्ट टाइम से जो भी कुछ मिले तो देख लीजिएगा कि ये एंजियोस्पर्म का है कि जिम्नोस्पर्म का है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं कि वुल्फिया से लेके सबसे छोटा प्लांट को वुल्फिया माना गया है। वुल्फिया से लेके यूकोलिप्टस सबसे बड़ा होता है, 100 मीटर की ऊंचाई का होता है, वो सारे एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। अब इतना ही नहीं, अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले को बोला जाता है मोनोकोट, मोनोकोट, और एक को बोलेंगे डाइकोट। ये मोनोकोट और डाइकोट क्या है, मोनोकोट को हिंदी में बोलेंगे एक बीजपत्री और डाइकोट को क्या बोलेंगे, डाइकोट को बोलेंगे द्विबीजपत्री। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब देखिए मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोटोलिडन और डाइकोटोलिडन दो प्रकार के बीज होते हैं और प्लांट्स भी बोल सकते हैं, यानी कि छोटा प्लांट्स। समझिएगा क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अब देखिए कि कैसे जानेंगे हम लोग किसी प्लांट को देख के कि ये जो है मोनोकोटोलिडन है या डाइकोटोलिडन है, यानी कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, कैसे जानेंगे, चलिए बता देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या बीज को देख के, मान लीजिए बीज मिल गया हाथ में तो कैसे पता करेंगे। अब एक बीज पत्री वाला जो होता है ना, वो उसको आप जो है कि दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अब एग्जांपल में लेते हैं मक्का, ठीक है, इसकी एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मक्का, मक्का को क्या कहा जाता है, कॉर्न, ठीक है। मक्का और एक साइड हम ले लेते हैं चना, ठीक। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या मक्का को कभी अपने आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा जगह बना हुआ रहता है, क्या पैसे कर दिए तो खुल गया दो गो, नहीं होता है। लेकिन चना, चना को जब भूज के उसका बादाम खाते हैं या फिर चना का दाल खाते हैं, एक चना के दाल को दो टुकड़ा में बांट दिया जाता है, जितने भी दलहन होते हैं सब द्विबीजपत्री होते हैं, मटर द्विबीजपत्री। लेकिन इसमें क्या हो गया, मक्का हो गया आपका, लहसुन हो गया, लहसुन आपके, लहसुन हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया,
ये सब का दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, लेकिन चना हो गया, मटर हो गया, कहेंगे कि जितने भी दलहन होते हैं जिनका दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है बीज को, वो सारे क्या है? डाइकोटिलेडन है। अभी चना का जो उगता है, बीज होता है, अंकुरण होता है, देखे होंगे घर में, तो क्या होता है, चना है मान लीजिए, चना है तो जब उगेगा एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे रहता है, दो तरीके से निकल जाता है। तो ये जो ऊपर वाला जाता है वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपका पत्ती वगैरह हो गया, नीचे जो चला गया वो जड़ बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, समझेंगे आगे भी इस चीज को। अब देखिए एक चीज सिंपल वाली बात समझ में आई आपको, कि ये पहला एग्जाम्पल कि एक बीज पत्री क्या होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बीज को, और द्वि बीज पत्री में हो जा रहा है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर पत्ता मिल गया आपके हाथ में तो पत्ता देख के भी बता दीजिएगा कि एक बीजपत्री है कि दो बीजपत्री, यानी मोनोकोटिलीडन है डाइकोटिलीडन है। कैसे? अब इसका पत्ता जो है, अब यही समझिए, मक्का का पत्ता देखे है, मक्का का पत्ता कैसा होता है, यानी कि मकई का पत्ता पैरेलल होता है, क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन इनका क्या होता है, अब आम का ही पत्ता ले लेते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे करके पत्ते होते हैं इनके। अब अड़ूल का पत्ता, ये सारे कैसे होते हैं, इस तरीके के दिखते हैं, जो इस तरीके के पत्ते दिखेंगे उसको कह देंगे वो डाइकोटिलेडन प्लांट्स का है। ये तो अब समझना आसान हुआ। और जिनका के पैरेलल है उनका क्या कह देंगे हम, कि वो मोनोकोटिलेडन है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। लहसुन का पत्ता कैसा होता है, मक्का का पत्ता कैसा होता है, धान का पत्ता कैसा होता है, गेहूं का पत्ता कैसा होता है, आपका क्या कहते हैं, गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना का पत्ता कैसा होता है, सब एकदम लंबा लंबा पैरेलल होता है। तो जितने भी लंबे लंबे पैरेलल हो रहे हैं जिनके पत्ते, उनका जो धारी पैरेलल हो रहा है, ये धारी जो है उसको क्या बोलेंगे, कि ये मोनोकोटिलीडन है। लेकिन डाइकोटिलीडन में क्या हो रहा है, ऐसा पत्ता देख लीजिएगा तो बोलिएगा ये डाइकोटिलीडन वाले हैं, एंजियोस्पर्म का है लेकिन डाइकोट है। क्लियर है? अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो भी कोई बात नहीं है। अब देखिए ये तो पत्ते वाला हो गया दूसरा एग्जाम्पल, अब तीसरी एग्जाम्पल से समझिए। अब इसको कैसे समझेंगे पता है, जड़ को भी देख के समझ सकते हैं। इसका जो जड़ होता है ना वो फाइब्रस रूट वाला होता है, ठीक है, प्लांट्स जो है इसके क्या होंगे, फाइब्रस रूट वाले होंगे जड़, इसको बोलेंगे फाइब्रस। और इनके जड़ कैसे होते हैं, टेप रूट होते हैं, टेप रूट, टेप रूट हो गए। रूट मतलब रास्ता भी होता है, रूट का स्पेलिंग अलग होता है, रूट मतलब जड़ होता है। ये टेप रूट हो गया और ये हो गया फाइब्रस रूट, ठीक है। तीसरा एग्जांपल के आप जड़ देख के भी समझ जा रहे हैं कि ये जो है क्या है, कि एक मोनोकोटिलेडन है, एक बीजपत्री और दूसरा डाइकोटिलेडन। अब मान लीजिए कि आम का पेड़ है उसमें फाइब्रस रूट रहेगा तो आम का पेड़ उतना बड़ा होगा क्या, कैसे जड़ पकड़ के रखेगा मिट्टी में, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि जो मोनोकोटिलीडन वाले हैं वो बहुत बड़े प्लांट नहीं हो सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है। और जो डाइकोटिलीडन वाले हैं उनको बहुत बड़ा प्लांट बनना पड़ता है, तो उनका रूट जो होता है वो क्या होगा, टेप रूट होगा, एकदम मिट्टी को पकड़ के रखेगा कि पेड़ को गिरने नहीं देंगे। समझ गए ना? अब देखिए एक और चीज, चौथा चीज क्या है, चौथा चीज क्या है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा चीज ये है कि आप लकड़ी को भी देख के पहचान सकते हैं। कैसे? अब जो मोनोकोटिलेडन वाले होते हैं ना उसमें लकड़ी हो भी नहीं करता है, लकड़ी नहीं होता है, और इसमें लकड़ी होता है, कहिएगा ये कैसे, लकड़ी लिख देते हैं होता है। फोर्थ नंबर कैसे होता है, थोड़ा समझिए। अब बताइए गन्ना का लकड़ी होता है क्या, आप उसको काट वट के कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो क्या होता है कि मोनोकोटिलेडन वाले प्लांट्स की लकड़ियां नहीं होती है और डाइकोटिलेडन वाले प्लांट्स की लकड़ियां होती हैं, एकदम क्लियर है। अब गन्ना का नहीं होता है, मक्का का नहीं होता है, धान का नहीं होता है, अब क्या कहते हैं गेहूं का नहीं होता है, इनके क्या होते उड़े होते ही नहीं, उड़ नहीं होता है, उड़ी नहीं होती है,
ये उड़े नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये उड़े होते हैं। इनके लकड़ी को काट के आप कुछ बना सकते हैं, बहुत सारे यूज में आते हैं ये। तो ये क्या हो गया, डाइकोटिलेडन, और ये मोनोकोटिलेडन। अब तो आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। अब इस चीज को कभी नहीं भूलिएगा। अब बताइए कि मक्का वगैरह हो गया, आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आप लोग लिख सकते हैं। अब लहसुन है, लहसुन को भी हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, प्याज को भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, सारे मोनोकोटिलेडन के अंदर आते हैं, और जिनको अलग किया जा सकता है। अब देखिए कितने सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। अब उसके पत्ता को भी देख के पहचान जा रहे हैं, रूट को भी देख के, यानी कि जड़ को भी देख लिए तो पहचान गए कि कौन सा जड़ है। कभी ना कभी तो देखे ही होंगे, पत्ता हो गया, जड़ हो गया, लकड़ी को देख के पहचान जा रहे हैं। इन सारे चीजों को पहचानने के लिए, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन को पहचानने के लिए अब आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी पहचान लेंगे। तो अब ये डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।